अस्सलाम वालेकुम मोहसिस नाज़रीन इकराम, आज की ये मेरी वीडियो जो है वो डिप्रेशन के ऊपर है, यानी 11 नेचुरल वेज या नेचुरल ट्रीटमेंट्स टू क्योर डिप्रेशन, यानी कि बगैर दवाई के कुछ 11 ऐसी टिप्स हैं जिनके ऊपर अगर आप काफ़ी हद तक अमल करेंगे तो मेरे ख्याल में डिप्रेशन से आप निजात हासिल कर सकते हैं। तो उन नेचुरल डिप्रेशन ट्रीटमेंट्स के हवाले से आज की ये मेरी वीडियो है, और अगर ये मेरी वीडियो आपको पसंद आए तो मेरे इस यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए। तो डिप्रेशन जो है होपलेस और हेल्पलेस होने वाली कंडीशन को कहा जाता है। डिप्रेशन को बहुत बड़ी बीमारी समझा जाता है, लेकिन इतनी बड़ी बीमारी डिप्रेशन है नहीं। अगर प्रॉपरली उसके ऊपर जो है वो तवज्जो दी जाए और प्रॉपरली जो डिप्रेस्ड है, जो पेशेंट है, वो प्रॉपरली अपने आप को उस डिप्रेशन से निकालने की कोशिश करे, तो मेरे ख्याल में डिप्रेशन इतनी बड़ी ख़तरनाक बीमारी नहीं है और वो ख़त्म होने वाली बीमारी है। और 1 से 3 महीने के अंदर आप डिप्रेशन से बिल्कुल भी 100% निजात हासिल कर सकते हैं। देखें, हमारा जो एक लाइफ स्टाइल है वो कुछ इस तरह का बन गया है, जिस वजह से ज़्यादा लोग जो हैं डिप्रेशन में, एंग्जाइटी डिसऑर्डर में, ओसीडी में और मेंटल कंडीशंस के अंदर जो है वो सफ़र करते हैं। तो उस हवाले से आज मैं आपको 3 चीज़ें बताने जा रहा हूँ कि उन 3 चीज़ों के ऊपर अगर आप ठीक तरह से अमल करें, अगर आप में एंग्जाइटी डिसऑर्डर है, अगर आप में डिप्रेशन है, अगर आप में ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर है, अगर आप में पर्सनालिटी डिसऑर्डर है या कोई और मेंटल इलनेस है, तो ज़रूरी है कि 3 चीज़ों के ऊपर आप जो हैं वो अमल करें और काफ़ी हद तक आप इन नफ्सियाती अवारिस से निजात हासिल कर सकते हैं। सबसे पहले, जब कोई भी मेंटल इलनेस हो तो आप फिज़िकल एक्टिविटी जो है वो उसमें इजाफा कर दें। फिज़िकल एक्टिविटी का ये मकसद है कि आप जो हैं वो जिस्मानी तौर पर अपने आप को और भी ज़्यादा जो है वो इंगेज करने की कोशिश करें, ताकि आपका जो ख्याल या आपका जो तवज्जो है इन नफ्सियाती अवारिस के ऊपर कम जाए। क्यों? कि ये जो भी नफ्सियाती अवारिस होते हैं इनका ज़्यादा ताल्लुक या जो वाबस्तगी होती है ये जो है वो एक निकम्मा बनाने के हवाले से ये ज़्यादा काम करते हैं, यानी आदमी को ये पैरालिसिस कर देते हैं, आदमी को जो है वो घर के कोने में बिठा देते हैं, आदमी जो है वो नॉन फंक्शनल हो जाता है, आदमी अपने आप को नाकारा समझता है। तो उस हवाले से जैसे ही इन नफ्सियाती अवारिस में से कोई भी आर्जा आपको लायक हो तो फिज़िकल एक्टिविटी में इजाफा करें। और दूसरे नंबर पर जो चीज़ है वो ये है कि लाइफ स्टाइल जो है वो आप तब्दील करें। देखें, आपको डिप्रेशन हुआ, आपको एंग्जाइटी डिसऑर्डर हुआ, आपको ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर हुआ, तो फिल फोर आपको इसके ऊपर सोचना चाहिए, क्यों हुआ मुझे, मेरे लाइफ स्टाइल के अंदर कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनको मुझे छोड़ना चाहिए, जो हूँ वो लाइफ स्टाइल अपने आप को जो है वो और भी काफ़ी उसमें तबादला करते हुए, उसमें चेंज आते हुए उसको जो है वो मैं तब्दील करूँ, तो दूसरी चीज़ ये है। और तीसरी चीज़ जो है वो चेंज योर बिहेवियर, अपने बिहेवियर को जो है वो चेंज करें, अपनी जो कंडीशन है, अपनी जो पोजिशन है, लोगों के साथ जो आपका रब्त और रवाबित हैं उनके ऊपर जो है वो आप रिव्यू करने की कोशिश करें, ताकि आपका बिहेवियर और भी ज़्यादा बेहतर हो। और कितना आपका बिहेवियर जो है वो ख़राब बन गया है, सोशल लाइफ कितनी जो है वो आपकी मुतासर हो गई है, फैमिली लाइफ आपकी कितनी जो है वो मुतासर हो गई है, तो इन चीज़ों के ऊपर जो है वो ज़्यादा आप तवज्जो दें और इन चीज़ों को जो है वो रिवाइज़ करने की कोशिश करें। और इन 3 चीज़ों के अंदर जो है वो आपकी डिप्रेशन से निजात का सॉल्यूशन है, आपके डिप्रेशन या एंग्जाइटी डिसऑर्डर
से छुटकारा हासिल करने का एक तरीका है। तो ज़रूरी है कि इन तीन चीज़ों के ऊपर अमल करें। जब आप इन तीन चीज़ों के ऊपर अमल करेंगे, बिहेवियर आपका चेंज हो जाएगा, लाइफ स्टाइल आपका तब्दील हो जाएगा, फिज़िकल एक्टिविटी में आपका इजाफा हो जाएगा, तो फिर क्या होगा, कौन सी रिजल्ट्स मिल सकती हैं? तो रिज़ल्ट ये मिलेंगी कि गेट इन अ रूटीन, आप जो हैं वो अपने आप को रूटीन में ले आएंगे। जब आपकी रूटीन बन जाएगी, आप जो हैं वो अपने आप को काफ़ी हद तक जो है वो बेहतर समझेंगे, और आप जो हैं वो स्टार्ट राइट वे से जो है वो आप अपने कामकाज का जो है वो स्टार्ट लेंगे, और उसके अलावा जो है वो अपनी लाइफ का या अपने सारे दिन का सुबह के टाइम पर आप शेड्यूल बनाएंगे कि आज मुझे जो है वो कौन कौन से काम करने हैं, और इस तरीके से आप ट्रैक पर आ सकते हैं। और उसके अलावा जब इन तीन चीज़ों के ऊपर आप अमल करेंगे, बिहेवियर आपका तब्दील होगा, लाइफ स्टाइल आपका चेंज होगा, उसके साथ फिज़िकल एक्टिविटी होगी, तो फिर जो है वो आपके गोल्स सेट होंगे। और गोल्स सेट करने का ये तरीका नहीं है कि लंबे चौड़े गोल्स, मुश्किल गोल्स, डिफ़िकल्ट गोल्स आप जो हैं वो लेने की कोशिश करें, बल्कि स्मॉल गोल्स अचीव करने की कोशिश करें। माइनर सी चीज़ें जो हैं उनके ऊपर ज़्यादा आप फोकस करें, आस्ता आस्ता माइनर से आप अपने आप को जो है वो स्विच ओवर करें मेजर की तरफ, और फिर मेजर गोल्स जो हैं वो बआसानी आप सेट कर सकते हैं। जब ये तीन चीज़ें जो हैं आपकी बेहतर हो जाएंगी, फिज़िकल एक्टिविटी बेहतर हो जाएगी, आपका जो है वो अपना बिहेवियर जो है वो चेंज हो जाएगा, लाइफ स्टाइल चेंज हो जाएगा, तो आप एक्सरसाइज करना शुरू करेंगे। एक्सरसाइज ज़रूरी नहीं है कि मैराथन रेस में जो है हिस्सा लें, एक्सरसाइज ये है कि 10-15-20 मिनट तक आप वॉक करें सिंपली तौर पर, और एक हफ्ते में कम से कम 3 से 4 दिन तक इनफ है वो वॉक करें आप। और जब आपका लाइफ स्टाइल चेंज होगा, तो उस लाइफ स्टाइल के अंदर आप अपने खानों के ऊपर, अपनी फूड्स के ऊपर, रोज़मर्रा की जो चीज़ें आप जो हैं वो इस्तेमाल करते हैं उसके ऊपर आप रिव्यू करें, कौन सी चीज़ें आप खाते हैं। अगर आप स्पाइसी फूड्स खाते हैं, अगर आप जो हैं वो फास्ट फूड्स वगैरह इस्तेमाल करते हैं, अगर आप ज़्यादा होटलिंग करते हैं, तो इन चीज़ों को छोड़ना होगा आपको। अगर आप जो है वो अपने डिप्रेशन से निजात हासिल करना चाहते हैं, तो इन चीज़ों को बिल्कुल भी छोड़ दें, और उसके साथ सिंपल खाने जो हैं वो आप वो इस्तेमाल करें, वेजिटेबल्स के ऊपर चले जाएं, फ्रूट्स के ऊपर चले जाएं, सलाद्स के ऊपर चले जाएं, ऐसी ऐसी हल्की फुल्की सी चीज़ें आप इस्तेमाल करें, और उसके साथ साथ आप अपनी प्लेट को रिव्यू करें। प्लेट को रिव्यू करने का ये मकसद होता है कि जब आप प्लेट के अंदर सालन लेते हैं, तो उस प्लेट की चौथाई में आप सालन ले लें, और उसके साथ जो है वो आधी रोटी या एक रोटी ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो आप इस्तेमाल करें, और जो लुक में है वो गिन गिन कर आप इस्तेमाल करें। और अगर इस खाने से आप समझते हैं कि इंडाइजेशन होता है, फूड पॉइजनिंग होता है, बदहाजमी होती है, गैस होता है, कॉन्स्टिपेशन होती है, तो फिर खाने को और भी ज़्यादा आप कम करने की कोशिश करें, ताकि आपके पेट के ऊपर बर्डन ना हो। क्योंकि जब पेट के ऊपर बर्डन होगा तो आपके डिप्रेशन में इजाफा हो जाएगा। जब आपका पेट खाली होगा तो काफ़ी हद तक आपका डिप्रेशन जो है वो बेहतर बन सकता है। तो ज़रूरी है आप प्लेट के ऊपर जो है वो रिव्यू रखें, और रोज़ाना जो है वो आप इस चीज़ के ऊपर ज़रूरी है कि आप तवज्जो और कैलकुलेशन रखें कि आज कौन कौन सी चीज़ें मैंने खाई हैं, और कितना खाना मुझे इस्तेमाल करना चाहिए, कितना इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, और कोक्स, चॉकलेट्स, कॉफ़ी, अल्कोहल या स्मोकिंग वगैरह जो है वो, अगर ये चीज़ें हैं आपकी लाइफ के अंदर, तो इनको आस्ता आस्ता करके आप छोड़ दें। क्योंकि ये चीज़ें जो हैं वो आपके एंग्जाइटी डिसऑर्डर में, आपके डिप्रेशन में, आपकी जो सोशल फोबिया है उसके अंदर जो है वो काफ़ी हद तक इजाफा कर सकती हैं। और जब आप अपने बिहेवियर को चेंज करेंगे, लाइफ स्टाइल को तब्दील करेंगे, और फिज़िकल एक्टिविटी में इजाफा करेंगे, तो उससे क्या होगा, उससे ये होगा कि आप जो हैं वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेने की जो कैपेसिटी है आपके अंदर वो ज़्यादा बढ़ जाएगी, अहलियत बढ़ेगी, काबिलियत बढ़ेगी। और जब रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे,
تو آپ بخوبی جو ہے وہ ڈپریشن سے نجات حاصل کر سکتے ہیں یا نجات حاصل کرنے کے قابل بن سکتے ہیں. اگر آپ ریسپانسبلٹی نہیں لیں گے تو یقین کریں کہ جب آپ غیر ذمہ وار ہوں گے تو اس سے نفسیاتی عوارض میں اضافہ ہوتا ہے, ڈپریشن میں اضافہ ہوتا ہے, انگزائٹی ڈس آرڈر میں اضافہ ہوتا ہے, اور کافی پرابلمس جو ہیں وہ کریٹ ہو سکتے ہیں. اور اس کے ساتھ آپ اپنے جو نگیٹو تھاٹس ہیں ان کے اوپر اپنا کنٹرول رکھیں, کیونکہ جب ڈپریشن میں لوگ ہوتے ہیں تو نگیٹو تھاٹس جو ہیں وہ ان کے کنٹرول سے باہر ہو جاتے ہیں. نگیٹو تھاٹس کے اوپر وہ ٹھیک طرح سے قابض نہیں بن سکتے, قبضہ نہیں کر سکتے. جب نگیٹو تھاٹس آپ کے کنٹرول سے باہر نکل جائیں گے تو پازیٹو تھاٹس یا پازیٹو تھنکنگ وغیرہ جو ہے وہ کافی حد تک کم پڑ سکتی ہے, اور اس حوالے سے آپ کے برین کے اوپر سارا کنٹرول جو ہے وہ نگیٹو تھاٹس کا ہو جائے گا, اور ایک نگیٹو تھاٹ جو ہوتا ہے وہ دوسرے نگیٹو تھاٹ کو کریٹ کرتا ہے یا پیدا کرتا ہے. ایک سے دو بنتے ہیں, دو سے چار بنتے ہیں, چار سے آٹھ بنتے ہیں, تو اس حوالے سے آپ کی لائف جو ہے وہ اجیرن بن سکتی ہے. تو اس حوالے سے سب سے پہلے جو ہے وہ نگیٹو تھاٹس کو منیمائز کریں, اور اگر نگیٹو تھاٹس آئیں کسی بھی شخص کے بارے میں, کوئی بھی نگیٹو آپ کو جو ہے وہ سوچ آ رہی ہے کہ یہ شخص جو ہے وہ میری جان کے پیچھے پڑا ہوا ہے اور یہ مجھے مار دے گا, مجھے اس سے جو ہے وہ خوف ہے, تو دیکھیں کہ کیوں خوف ہے, کوئی دشمنی تو نہیں ہے, کوئی بندہ آپ نے اس کا مارا تو نہیں ہے, تو وہ کیوں آپ کو مارے گا, کیوں آپ کے پیچھے پڑے گا, کیوں آپ کو نقصان پہنچائے گا. جس آدمی کے بارے میں آپ کے ذہن کے اندر نگیٹو تھاٹس آتے ہیں تو اس کے پازیٹو تھاٹس جو ہیں اس کے بارے میں جو آپ کے دماغ میں ہیں تو ان کو جو ہے وہ اس کے اوپر اوور لیپ کریں, تاکہ اس کے بارے میں جو نگیٹیوٹی ہے وہ کافی حد تک کم ہو سکے. اور اس کے ساتھ جو ہے وہ چیک وتھ یور ڈاکٹر بیفور یوزنگ سپلیمنٹس. اگر ڈپریشن میں آپ ہیں اور اس کے ساتھ ملٹی وائٹامنس یا منرلس یا اور سپلیمنٹس لینے کی کوشش کرتے ہیں, تو ضروری ہے آپ اپنے ڈاکٹر سے مشورہ کریں, کیونکہ بہت ساری ملٹی وائٹامنس جو ہوتی ہیں وہ بوجھ کرتی ہیں آپ کے اسٹمک کے اوپر, اور جب آپ کے اسٹمک کے اوپر بوجھ ہوتا ہے, آپ کے اسٹمک کے اوپر برڈن ہوتا ہے, آپ کو جو ہے وہ آئی بی ایس وغیرہ بن جاتا ہے اس سے, اور آئی بی ایس بننے سے جو ہے وہ آپ کے ڈپریشن میں کافی حد تک اضافہ ہو سکتا ہے. اور اس کے علاوہ روزانہ زیادہ نہ کریں, لیکن ٹرائی ٹو تھنک ون تھنگ نیو, یعنی کہ آپ جو ہیں وہ ایک چیز جو ہے وہ روزانہ ایسی نئی چیز جو ہے وہ سوچنے کی کوشش کریں کہ مجھے آج کون سا نیا کام کرنا چاہیے, کیونکہ جب نئی چیز آپ کریٹ کریں گے تو اس سے یقیناً آپ کو خوشی آئے گی, اور اس سے جو ہے وہ اینڈورفن ہے تو وہ اینڈورفن میں اضافہ ہو جائے گا, اور جب اینڈورفن اضافہ کرے گی آپ کی باڈی کے اندر خصوصی طور پر برین کے اندر, تو پھر جو ہے وہ سیراٹونن لیول اور ڈوپامین لیول میں جو ہے وہ اضافہ ہو سکتا ہے. اور اس کے علاوہ ٹرائی ٹو ہے فن ہونا چاہیے, فنی لوگوں سے آپ روزانہ ملیں, ہنسیں روزانہ, خوش رہنے کی کوشش کریں, انجوائے کرنے کی کوشش کریں, ایسی موویز وغیرہ دیکھیں جن میں ہنسی مذاق ہو, تو اس سے بھی کافی حد تک جو ہے وہ بہتری آ سکتی ہے. تو یہ چیزیں ہیں, انشاءاللہ تعالیٰ اگر ان چیزوں کے اوپر ٹھیک طرح سے آپ عمل کریں گے تو کافی حد تک آپ ڈپریشن کو اوور کم کر سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کا حامی اور ناصر. السلام علیکم.